नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। बीच सड़क इस धसी पुलिया पर लगाया गया लाल झंडा कह रहा है कि साहब असुविधा के लिए खेद है। दरअसल दुल्लापुर क्षेत्र के जलालाबाद मरदह मार्ग पर रामपुर पतारी गाँव के जल निकासी के लिए बनी पुलिया धस गयी है। इससे मार्ग पर चार पहिया वाहनों का आवागमन बाधित है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं घपला कर इस पुलिया को तो नहीं बनाया गया। आने वाले दिनों में रक्षाबंधन और बकरी जैसे दो बड़े त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में सदर कोतवाली में मंगलवार की देर शाम शांति समिति की बैठक हुई। इस मौके पर एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी ने कहा कि बकरीद और रक्षाबंधन का पर्व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से मनाए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बुधवार दूसरे दिन भी रेलवे के पीएनडीआर घाट स्थित वर्कशॉप में जिला चिकित्सालय से एम्बुलेंस पहुंची। स्वास्थ्य कर्मियों ने वर्कशॉप के कुल 80 कर्मियों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया। कर्मचारियों का स्वैब ले उसे सील बंद कर जांच के लिए बीएचयू भेज दिया गया है। इसकी रिपोर्ट करीब 2 से 3 दिनों बाद आने की संभावना है। करीमुद्दीनपुर थाना पुलिस ने 2 बैटरी चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। चोरों की निशानदेही पर 2 बैटरी भी बरामद की गई है। थाना प्रभारी निरीक्षक दिव्य प्रकाश सिंह ने बताया कि इन दोनों चोरों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य में लगे 2 वाहन की बैटरी खोल ली थी। मुखबिर की सूचना पर इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। दिलदार नगर थाना पुलिस ने मंगलवार की देर रात सरेला चट्टी के पास से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 100 शीशी देसी शराब बरामद की गई। अभियुक्तों का संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया। तस्करों को अरेस्ट करने वाली टीम में उप निरीक्षक के साथ कांस्टेबल शत्रुंजय, कांस्टेबल अमरकांत शामिल थे। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।